ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई को कीर्ति दी और उनकी खुशियों की कितनी परवाह है, उसका ये छोटा सा सबूत है। करते क्या ही? खुद ही देख लो। यूएस वीसा कीर्ति के लिए एक पेपर तुम लाई हो अपने भाई की तरफ से, और एक पेपर मेरे पास है कीर्ति की ओर से। यूएस जाना चाहती हो इस सबसे दूर, और तुम उसे रोकोगे नहीं नायर। मैं पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो भी फैसला होगा वो कीर्ति का होगा, ये उसकी लाइफ है। सही कहा तुमने कार्तिक, फैसला दीदी का होना चाहिए, मेरा और तुम्हारा नहीं। ये पेपर्स भी हमें दीदी को देने चाहिए ताकि वो खुद तय कर सके कि उन्हें कौन से पेपर पे साइन करना है, उन पे या इन पे। आफ्टर ऑल ये उनकी लाइफ है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती थी। सच कहूं नायरा, तो मुझे भी नहीं पता कीर्ति का क्या फैसला होगा। कितनी बार कहना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं आता, कहां ना कॉल ब्लॉक कर दो। नायरा नक्श से कहो कि वो कीर्ति को फोन करना बंद करे, वो उसका फोन नहीं उठा रही है तो लैंडलाइन पे किया जा रहा है। उसे कहो कि कीर्ति को अकेला छोड़ दे। वो अपनी वाइफ को कॉल कर रहे हैं और ये उन दोनों के बीच की बात है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। क्या साबित करना चाहता है वो? क्यों झूठी केयर करने का नाटक कर रहा है कीर्ति की? भाई नाटक नहीं कर रहे हैं, वो सच में दी की परवाह करते हैं और यही बात उन्हें भी बताना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि वो बुरे इंसान नहीं है और उन्हें हक है दी को कॉल करने का, उनकी वाइफ है वो। इस रिश्ते की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे हम सबने सोची थी, पर बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। हालांकि ये फैसला दी का होगा, हमारा नहीं, पर फिर भी हम जानते हैं कि भाई दी को कभी भी जानबूझ के हर्ट नहीं करेंगे। हर्ट नहीं करेंगे? हर्ट तो वो ऑलरेडी कट चुका है। मनीष बेटा, इंसान से गलती होती है और अनजाने में की गलती को एक माफी का अधिकार तो होता है ना, और नक्श को ये मौका ना देके हम ठीक नहीं कर रहे। और वैसे भी मनीष जी, किसी भी इंसान को समझने के लिए उसकी नीयत को समझना जरूरी होता है, और आई थिंक हम सब नक्श की नीयत को अच्छे से जानते हैं। पिछली बार हम एक टूटे हुए रिश्ते को बार बार गांठे मार के जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी गलती थी, लेकिन इस बार एक अच्छे रिश्ते को टूटने देकर हम उससे भी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मनीष बेटा, आदित्य का सच हमें मालूम नहीं था माँ, लेकिन जब पता चला तो हमने फैसला लिया। वैसे ही आज अगर हम फैसला ले रहे हैं तो। और वो सच कौन लाया था तुम्हारे सामने? नायरा ही ना। हम में से किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था, सब खिलाफ थे उसके, लेकिन वो अड़ी रही। क्यों? क्योंकि उसे कीर्ति की परवाह थी, कीर्ति की खुशियों का ख्याल था उसे। और जब आज वो कह रही है कि नक्श और कीर्ति के रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, तब हम क्यों उस पर यकीन नहीं कर रहे? क्योंकि सामने उसका भाई है। अगर कीर्ति का रिश्ता टूट रहा है तो नक्श का घर भी नहीं बस रहा है, नुकसान तो दोनों परिवारों का हो रहा है ना। अब जो भी करना है वो दी ही डिसाइड करेंगी। आज तक उनके हिस्से के सारे फैसले दूसरे लेते आए, लेकिन ये फैसला उन्हें खुद ही लेने दीजिए।
चीज थी। ये मत समझिएगा कि ये पेपर्स दिखा के हम आप पे कोई प्रेशर कर रहे हैं। ये भी एक सच है जो मैं आपके सामने लाना चाहती थी ताकि आप जो भी फैसला लें बिल्कुल सही लें। ये दीदी, आपको ड्रेसेस डिजाइन करना अच्छा लगता है ये बात और कोई नहीं समझ पाया सिवाय भाई के, क्योंकि शायद किसी ने आपको कभी इतना नजदीकी से जाना ही नहीं। और एक बात, ये बात बताने के लिए भाई ने नहीं कहा मुझे आपसे, इनफैक्ट उन्होंने तो मना किया था ये पेपर्स आपको दिखाने के लिए। बार बार फोन कर रहे हैं वो आपको, बात करना चाहते हैं आपसे, शायद माफी भी मांगना चाहते हैं। अगर नहीं चाहती उनसे बात करना तो मैं मना कर दूंगी उन्हें कि आपको कॉल ना करें। आप अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं और कोई आपका साथ देना दे, मैं आपके साथ हमेशा हूं। लव स्टोरी अलग होती है कार्तिक, हमारी अपनी देख लो। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुरंत कुछ नहीं कह पाई थी, थोड़ा टाइम लगा था समझने में, और उसी दौरान कितनी गलत फहमियां हुई हमारे बीच, पर अल्टीमेटली जीत हुई प्यार की। इन दोनों की कहानी भी कुछ ऐसी है, प्यार तो है बस देख नहीं पा रहे हैं। एक बार तुम कोशिश करना, पर बिना किसी रिश्ते का चश्मा चढ़ाए ढूंढना, नजर आ जाएगा। शायद इससे उनके ना सही पर हमारे रिश्ते पे फर्क पड़ जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि लल्ला ने जो किया वो ठीक किया, पर उसे अपने किए का पछतावा भी बहुत है सुहासिनी जी। सुहासिनी जी, हमें लगता है कि बच्चों का रिश्ता सुधर जाए, इसलिए हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। वही तो हम भी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अगर आप ठीक समझे तो हम सब आकर कीर्ति से माफी मांग ले और उसे। नहीं नहीं कावेरी जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने इतनी बड़ी बात कही, यही आपका बड़प्पन है। घर में अभी सबका मूड उखड़ा हुआ है, मनीष, अखिल, किट्टू, किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो ठीक नहीं होगा। नायरा ने कहा है कि हम कीर्ति पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। अब यह फैसला उसका होगा कि वो वापस जाना चाहती है या नहीं। हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो अमेरिका जाने का ख्याल छोड़ दे। क्या अमेरिका? जी क्या कहा? अमेरिका? नहीं नहीं सुहासिनी जी, उसे ऐसा मत करने दीजिए। आंखों से दूर दिल से दूर हो ही जाता है, यहाँ रहेगी तो समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हम तो खुद यही चाहते हैं राजेश जी कि वो ना जाए। अब बस हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो। क्या कहलाता है।